नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 200 नंबर की हेल्प से जन्माष्टमी पर चित्र बनाना सिखाएंगे। इससे आसान तरीका आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा। तो गाइज, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। 200 नंबर आपको पहले लिखना होगा, बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह एक 2 नंबर लिखिएगा। 2 नंबर लिखने के बाद इधर आपको एक 0 नंबर लिखना है। एक 0 नंबर हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। फिर गाइज आपको स्केल लेना है। स्केल की हेल्प से इस 2 के नीचे ही हमें एक स्ट्रेट लाइन आसानी से ड्रॉ करना होगा। इसको थोड़ा सा आप बड़ा बनाइएगा, इतना कर देंगे। फिर से इसी के ऊपर ही एक हमें और लाइन ड्रॉ करना है। देखिए कितना आसान है। यहाँ पर ऐसे बढ़ा दीजिएगा, इसको नीचे की तरफ आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको एक 0 नंबर इधर भी लिखना होगा, एक 0 नंबर आप यहाँ पर भी लिखेंगे। और गाइज आप कमेंट बॉक्स में जाकर हैप्पी जन्माष्टमी ज़रूर लिखिएगा। फिर आपको इधर से नीचे की तरफ लाइन बढ़ाना है और इसको आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा हम और बढ़ा देंगे। इधर भी ऐसे बढ़ाइएगा, नीचे की तरफ यहाँ पर मिलाएंगे और इसको भी ऐसे आप डबल कर देंगे। इसी के नीचे आपको ऐसे छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करके पॉइंट लगाना होगा। जब आप पॉइंट लगा लेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये वाले सिरे से आप इधर ऐसे बढ़ाएंगे, इसको नीचे की तरफ से यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर के साइड से ले जाते हुए इधर ऐसे ले जाना होगा, नीचे की तरफ कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने इसको नहीं मिलाया है तो ये पीछे के साइड में आपको दिखेगा। इसको पहले आप डबल करिए, ये हो गया डबल। नीचे से आप ऐसे डबल करेंगे और इसको ऊपर वाले सिरे से डबल करिएगा। इधर से बढ़ाएंगे, यह हो गया। इसको नीचे की तरफ ऐसे आप डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे। फिर से इसको डबल भी करते जाइएगा। डबल हो जाने के बाद जस्ट ऊपर के ही साइड में देखिए, इसको यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, ये हो गया। देखिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने यहाँ से ऐसे ले गए, फिर इसमें हमने लाइन नहीं ड्रॉ किया है, इधर बढ़ाया फिर इधर ले गया। ये देखिए दो जगह हमने लाइन को नहीं मिलाया है, तो आप भी मत मिलाइएगा, तो लगेगा जैसे पीछे के साइड में बना हुआ है। फिर दोस्तों इस वाले सिरे से आपको एक बड़ा सा लीव्स बनाना होगा, जैसे आप पत्ती बनाते हैं उसी तरह बना दीजिएगा। तो ये हमारा मोर का पंख भी बन के तैयार हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से ऐसे बड़ा सा बनाइएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा, ये हो गया। फिर बीच में हमें इसको ऐसे डबल कर देना होगा, यहाँ से ऐसे कर दीजिए। देखिए कितना आसान है दोस्तों। अब आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, छोटे छोटे लाइन आसानी से ड्रॉ कर दीजिएगा। इधर भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम लास्ट में आपको कलर भी करना सिखाएंगे। तो गाइस आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी आसानी से जन्माष्टमी पर चित्र बनाना सीख जाए। दोस्तों ये हमारा मार्कर नहीं चल रहा है तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखिएगा एक सर्किल आप यहाँ पर भी यानी 0 नंबर लिख दीजिएगा। अब आपको यहाँ से ऐसे छोटी सी लाइन इधर ड्रॉ करना है, एक इधर कर दीजिएंगे, एक हल्का सा ऊपर, एक इधर बढ़ा दीजिएगा, एक यहाँ पर। इधर हम दोस्तों छोटे छोटे लीव्स बना देंगे। इधर बढ़ाइए, यहाँ से बढ़ाइएगा, एक इधर एक यहाँ पर हो गया। लीव्स बनाने के बाद अब आपको जस्ट इसी के बगल से ही एक मोर भी बनाना होगा। नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा, इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे। गाइस इसको ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद यहाँ से ऐसे बाहर के साइड में करते हुए इसको लाकर इधर मिला दीजिए। ये वाला सिरा आप यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, इसको नीचे की तरफ मिला दीजिएगा। एक आप वी लेटर लिख देंगे, छोटा सा पॉइंट लगा दीजिए। इधर आप ऐसे छोटे छोटे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और पॉइंट लगा देंगे। तो गाइस ये हमारा बहुत ही आसानी से जन्माष्टमी पर बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बन के तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए कलर भी करना सीख लेते हैं।